अन्नपूर्णा किचन में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आ रही हूँ। आज हम अपने किचन में बनाएंगे लाल मिर्ची का अचार। लाल मिर्च जो है ये सर्दियों में ही आती है और हम इसको साल भर तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, एक यानी कि एक लंबे टाइम तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये चलिए मैं बताना शुरू करती हूँ आपको कि लाल मिर्ची का अचार कैसे बनाया जाता है। आज मैं भरवा वाली लाल मिर्च बनाऊँगी। मैंने 700 ग्राम मिर्चें ली हैं और इसको मैंने धोकर खूब अच्छे से 2 घंटे की धूप लगा ली है, जिससे ये धुलने के बाद बिल्कुल साफ हो चुकी हैं और ये सूख गई हैं इस तरीके से। मैं आपको इसके मसालों का मेजरमेंट बता देती हूँ, आप लोगों को बताना है तो मैं आपको इसे ग्राम में बता देती हूँ। ये मैंने 60 ग्राम सौंफ लिए, इसी का आधा 30 ग्राम मैंने धनिया लिया है, ये मैंने 1 चम्मच सूखी हुई मेथी दाना लिया है, ये 20 ग्राम मैंने जो है काली मिर्चें ली हैं, 2 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, ये राई मैंने 50 ग्राम ली है, 2 बड़े चम्मच सूखा अमचूर पाउडर लिया है, ये 25 ग्राम जीरा लिया है और हींग आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, ये नमक लिया है 2 बड़े चम्मच, ये कलौंजी ली है 1 चम्मच और ये मैंने 2 चम्मच विनेगर लिया है जो मैं इसमें यूज़ करूँगी, और ये मैंने तेल लिया है। तेल कम से कम ये 200 ग्राम होगा, जो जितना हमारा काम में आएगा ये मैं उतना ही यूज़ करूँगी। चलिए, मैंने गैस पे कढ़ाई को रख दिया है। अब जो है पहले मसाले की जो है नमी निकाल लेते हैं। ये राई को यानी काली सरसों को मैं थोड़ा सा इसकी नमी निकालने के लिए भून लूँगी। अब ये हमारी राई जो है भुन चुकी है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये राई को मैंने निकाल लिया है, अब मैं सौंफ डालती हूँ। ये सौंफ और ये धनिया मैं इसमें डाल दूंगी। ये सौंफ और धनिया को भी मैंने इसमें डाल दिया है और गैस का फ्लेम जो है मैंने स्लो रखा है। अब ये भी हमारा भुनने पे आ गया है, मैं इसको भी बाहर निकाल लेती हूँ। अब ये मेथी दाना भी मैं इसमें डालकर भून लूंगी। मेथी दाना भून चुका है, अब मैं इसको भी बाहर निकाल लेती हूँ। अब कढ़ाई में मैं ये जीरा डालूंगी और ये काली मिर्च। अब इन दोनों को भी मैं थोड़ा सा इसकी नमी निकाल लूंगी। अब ये भी भून चुका है, अब मैं इसको भी बाहर निकाल लेती हूँ। ये हमारे सारे मसाले भुन चुके हैं। अब मैं उसी कढ़ाई में जो है तेल को गरम करने रख दूंगी। तेल जो है खूब तेज हमारा गरम हो जाना चाहिए और उसके बाद इन मसालों को मैं पीस लूंगी। देखिए, ये तेल हमारा अच्छा गरम हो चुका है, अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। अब मैंने इसमें हल्दी और नमक डाल लिया है और अब इसको मैं एक ग्राइंडर में डालकर पीस लेती हूँ। मसालों को हमें बहुत महीन नहीं पीसना है, हमें थोड़ा दरदरा ही पीसना है। मसाले जो है अचार में थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं। देखिए, ये हमारा मसाला पिस चुका है। अब मैं इसमें ये कलौंजी, ये हींग, ये अमचूर पाउडर और ये काला नमक मिला दूंगी और इन सबको अच्छे से मिला लूंगी। मसाले को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब चलिए अब मिर्चों की तरफ चलते हैं। कि ये जो मिर्च है इसको हमें ऊपर का भाग इसका इस तरीके से निकाल देना है, ये हरा पार्ट इसमें ना दिखे, हमें इस तरीके से इसको निकाल देना है और इस तरीके से ये देखिए, ये हमें इसमें काट लेना है एक लंबा और ये हमारा नोक पे से ना कटे, नहीं तो हमारा जो हम मसाला भरेंगे वो बाहर निकल जाएगा। और अगर आप इसको चाहें तो हल्के से इस तरीके से करके इसको काट के और इसके जो बीज हैं उसको हम निकाल देंगे। ये बीज हम इसके निकाल देंगे। अगर बहुत सी मिर्चें ऐसी होती हैं उनमें बीज होते ही नहीं है तो आप उसको इसी तरीके से भर सकते हैं। देखिए, ये मैंने इसकी मिर्चों का
सब निकाल दिए हैं जितने भी बीज हैं। अब मैं आपको दूसरी मिर्च का और दिखाती हूँ। इसी तरीके से हमको इसका भी ये ग्रीन वाला पार्ट निकालना है और इसमें ये ऊपर से इसे ये लंबी ये एक कट लगा देना है हमें ये। और इसका जो यहाँ से ये है हल्का सा यहाँ से कट लगा लिए और इसका भी इसको हमें ये मिर्चें जो है ये इसका ये निकाल दीजिए, क्योंकि ये मिर्चें आती हैं तो बहुत तीखा लगता है। और इन बीजों को निकालने के बाद आप इसी मसाले में इसको मिला लीजिए। देखिए ये इस तरीके से खाली हो गया। देखिए मैंने इन मिर्चों को ऊपर से इसका कट ऊपर से निकाल दिया है ऊपर से, और इसका साइड से इसको कट लगा लिया है और अंदर से जितने बीजे थे इसको साफ कर लिए हैं। जो इसके ये बीजे बचे हैं इसको मैं एक जार में डालकर पीस लेती हूँ और इसी मसाले में मिला लूँगी। मैंने इसको ग्राइंडर में डालकर चला लिया है। अब मैं इन सबको मसाले में मिला लेती हूँ। ये सिरका भी मैं इसी समय पे इसमें मिला दूंगी। सिरका मिलाने से जो है हमारे अचार लंबे टाइम तक रुक जाता है। अब ये थोड़ा थोड़ा तेल हमें जितनी इसमें ज़रूरत पड़ेगी बस उतना ही इसको मिलाऊंगी। देखिए ये हमारा मसाला जो है मिल चुका है सब। इस तरीके से हमें इसका मसाला रखना है। बस आप अचार जब भी बनाएं वो बिल्कुल साफ़ हाथों से बनाएं और इसका जो बर्तन आप जिसमें रख रहे हो जिस भी जार में वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और धूप में सुखा के उसकी नमी को निकाल लें तो आपका अचार जो है वो लंबे टाइम तक रुकेगा। अब मैं आपको भरना बताती हूँ। ये मिर्च लेके और इस तरीके से हल्के हाथों से इसको भर दें चारों तरफ से फैला के और इस तरीके से इसको बंद कर दें और इसको ये रख लें। इस तरीके से सारा अचार हमें इसी तरीके से बनाना है। ये थोड़ी थोड़ी मिर्चें लें, मिर्च में थोड़ा थोड़ा मसाला लें और इस तरीके से इसको आराम से दबा दें और इस तरीके से बंद कर दें। ये मिर्च ली और ये मसाला लिया इसको ऐसे और इस तरीके से इसको बंद कर दें। इस तरीके से आपको अचार ये बनाना है। आपको एक बात और बताऊंगी, अगर इस तरीके से आपकी मिर्च लंबी है अगर आपके बर्तन में नहीं आ रही है तो आप इसको चाकू से इसको दो पीस में काट सकते हैं और इस तरीके से इसको काट कर आप इसमें आधे आधे में ये मसाला भर लीजिए। इस तरीके से लेके इसको भर लीजिए। ये मिर्चे का अचार बनकर तैयार हो चुका है और ये इतना मसाला मेरे पास बचा है जो मैं इसमें ही डाल दूंगी और जो थोड़ा सा तेल बचा है वो भी मैं इसमें ही डाल दूंगी। बाकी का बचा हुआ तेल भी मैं इसमें डाल दूंगी। मिर्च का अचार बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी बनाना अच्छा लगता हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।